सरकार सरकार कान दियो कान दियो फोन है यार आयो फोन है अच्छा थैंक यू आयो हेलो अन्न स्पीकिंग अन्न 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 हेलो अरे हेलो अरे सरकार सरकार लाइनियां कट गई होगी किसका था सरकार अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछे पूछा आपका कोनो बंगाली ब्रांच ऑफिस भी है का बिल्कुल हमारे दिल्ली ऑफिस है बंगाली अयो सत्यभामा चट्टोपाध्याय लेडी अन्न नंबर टू क्या बोलता था बोला तोड़ा ताड़ी कोर सफरनामा भालो नाही भीषण बीमार साइकिल पकड़ के जल्दी आ जाओ तौबा तौबा ये सत्यभामा तो समझे ये सफरनामा क्या है अयो हमारे लेडी का छोटा सिस्टर है हमारे मिनी ब्रांच ऑफिस है ऑलवेज ट्रैवलिंग है सो सफरनामा चट्टोपाध्याय ओ अन्ना कितना कारोबार फैलाएगा है एक बीमार और तीन अनार तुझ पे खुदा की मार ये बीवियां जोड़ जोड़ का शताब्दी एक्सप्रेस बनाएगा क्या अयो कंजर है काहे को जोक हमारा था हमारा तो एक बंगाली एक तमिल एक सिंधी हिंदी में एक भी नहीं सरकार ये तो राष्ट्रभाषा का अपमान हुआ एक ठो हिंदी में भी तो होना चाहिए ना अयो एंड हेलो वेल सेड हम सोचते था कि इलाहाबाद में भी ब्रांच ऑफिस खोल लेगा यूपी में हमारा केयर करने वाला कोई नहीं एक ठो ऑफिस बिहार में भी खोलना चाहिए उधर हमार फूफी है मिस बिहार वेरी गुड वो अपन को मिलने का हो बस बस अन्ना ये बीवियों का सुपर मार्केट बंद कर एक दफ्तर काफी है ठीक है अच्छा तो हम जाता लेकिन देख कंजर एक बात मेरे याद रखना मनु का मैरिज किसी घटिया घर में नहीं करने का ठीक है जा जा जा, 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 जा। सरकार ओ अब यार ये होका ताजा करके ला अब ताजा कर लाए सरकार जा, जा। गुड मॉर्निंग है सरकार बला टली तरकीब चली वो तो ठीक है पर उनको जब घर जाके पता चलेगा तो तेरा क्या होगा अरे माधुरी ई हैंडल चारों तरफ घूमता है पर तू इतना जान ले कि अगर ई अन्ना साहब बीच में अन्नानास बने रहे ना तो ई प्रेम निवसवा का जय हिंद समझो अरे तू घबराती काहे को है गोपालगंज से न्यू दिल्ली ई हैंडल प्रसाद झट मारने थोड़ी ना आए हैं शेर की मान में रहकर ही गोश्त खाना सीखे हैं जरा इधर आ नहीं कोई देख लेगा हम रोमांसवा नहीं करना चाहते कान में कुछ कहना चाहते हैं प्लान बताना चाहते हैं आओ मजले भैया अरे ये आपका ब्याह तो हमारे वास्ते स्टेट का चुनाव ही गवाह है वोट दो तो पछताओ ना दो तो पछताओ क्यों हैंडल क्या हो गया इतना परेशान क्यों है तू ओ फनफनैया साहब बीच में फन काड़े बैठे हैं पापा जी ने आपकी शादी की वजह से ही घर में आने से मना कर दिया है अब हम जाएं तो कहां जाएं हम तो कहते हैं हमार न्यू भाभी को आप यूं जाओ और यूं लेकर आओ और पूछो तो सही क्या कहती है वो अरे क्या कहेगी वो हैंडल है? क्या कहेगी वो ये कहेगी कि सबसे लड़के मुझे प्रेम निवास ले चलो अरे हाँ वो तो हम भी शांति को बगैर फैमिली सपोर्ट के गोपालगंज नहीं ले जा सकते पर ये बात का कोई सोल्यूशन वा तो निकलना चाहिए हैंडल सोल्यूशन की बात तू जाके छोटू से कर लेकिन हाँ बड़े भैया के बिना मनीष की बारात कहीं नहीं जाएगी ओके अब जा तू ठीक है हम जात हैं पर इतना कह दे देते हैं कि अगर सूबी भाभी घर में नहीं आई तो संतिया कुंवारी रह जाएगी और हम संन्यास ले लेंगे हैंडल अरे आप का समझते हैं हम ये कोठी में दुई रोटी और तनखा के वास्ते आए हैं अरे एक छोटे से गांव में बेसहारा छोकरे से पूरे के पूरे हैंडल प्रसाद हम यहीं डेवलप हुए हैं जब से ये कोठी में पतलून पहनने लगे तो चिंता में नींद छिन गई हमार पजले भैया सच कहते हैं गांव की लगोटी में सुख से सोते थे हम ए पगले अरे मैं क्या तुझे तिशा और छोटू से कम चाहता हूं अरे यार तेरे जैसों पर तो नौकर शब्द भी बेमानी हो जाता है
देख तू बिल्कुल परेशान मत होना, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ओके ऑल राइट ऑल राइट हम जात हैं, आप यू माइंड योर बुक्स। हाँ ऑल राइट। उफ़ ये दूध वाला अभी तक नहीं आया, वहां पे सब चाय चाय कह के मेरी जान खा रहे और ये दूध वाले की बस। देवी बम बम दम दमा दम देवी। बम बम दम दमा दम वाह वाह देवी वाह। आप कौन हो? कच्ची उम्र में ही सौंदर्य और चंचलता का संपूर्ण एपिसोड हो, वाह वाह देवी वाह। काय बनाते हैं? बम बम दम दमा दम। हम ठीक कहते हैं देवी, कुछ ही समय में मेहंदी आलते को प्राप्त होकर 6 गुलगुले बच्चों की माता बनोगी। बम बम दम दमा दम। अभी पत्थर तो कूटे नहीं और आप सड़क पे मोटर दौड़ाने लग गए। अरे ये का देख रहे हैं हम? ए, मैं ना बेसन की गोली चुग रही है। अरे ओ नादान हमें पहचान, दे हमारी तरफ ध्यान, चोलानंद कभी झूठ नहीं बोलते। ओए ये तो हथेली पे मसाज मार रहा है, हैंडल पर सांस, ये तो माधुरी का कोई पुराना कनेक्शन दिखता है। हाथ हटा हाथ हटा हाथ हटा। महाराज हमारे पांव में बिच्छुआ कब चढ़ेगा बताओ ना। शीघ्र ही प्रभु, इस तन की मादक सुगंध मेरे ब्रह्मचर्य को घपले में डाल रही है। पम बम पम बम। बहुत क्विकली हाथ रपटाए रहा है हैंडल प्रसाद, अब तुम अपना पैकअप करो, यहाँ तो दूसरी पार्टी का सेटवा लग रहा है। ओए बम बम, ये मंत्र की अठन्नी है, इसकी रेवड़ियां खरीद कर उस बोल्टो को खिला देना, तुम्हारा विवाह शीघ्र हो जाएगा। ये लो। हाय पेमेंटवा भी कर रहा है, साइन कर लिया माधुरी को। अब बहुत अच्छे महाराज, पर आप आए कैसे? इस घर में एक महादेवी रोगी है, उनसे मिलने आए हैं देवी। भाभी से अब उन्हें ठीक कर देंगे, पीछे के रास्ते से चलते हैं वरना सरकार देख लेंगे। आई चलो आई। दम दम महादेव। माधुरी अरे पिछवाड़े ले गई, अरे ओ सलमान अब तुम यहाँ बैठ के गुइया छिलो, लई गवाक छे कुमारवा। अब तो चुटके भैया की लेबटरिया में साइनाइड फाइनाइड खा के वहीं से छलांग लगा देंगे। हैंडल प्रसाद तुम्हारी चेनवा टूट गई टूट गई टूट गई टूट गई। नहीं रह गया हम इधर। ये ठीक है, बस अब और सहा नहीं जाता हमसे। हैंडल ये चाय पी ले। ये सब का है? ये सब हमार प्रॉपर्टिया है, तुम्हारे नाम कर रहे हैं, दे देना सब उसको। ई कंगा ई पालिस ई सेविंग क्रीम ई तेल ई जूता हाँ ई जुराब, अरे सब दे देना उसको। शांति हम चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहो। अरे हमरा का है, हम तो ये डाइक्रोमेट पोटेशिया पी के अपना जीवन त्याग देंगे। इसको कहाँ बकाये तू हैंडल? जब हाटवा फूट गवा, जब हाटवा फूट गवा, तो पी के नहीं जी के
का करेंगे, तुझी के का करेंगे। तू हमसे खफा है माधुरी? अब हम अगले जन्म में तोता तोती बनकर मिलेंगे। तू जा देवी, तो हार बदन से मरे हुए कॉकरोच की सुगंध आ रही है। हाय माँ, तुझे स्वामी जी भी सके, वो तो महान है। सच कह रही है तू? अरे वो तो अमिताभ बच्चन वाले महान रहे, और उल्लू के पट्टे तो ही हैंडल प्रसाद रहे, जो इतने दिन तक तो हर साथ लूडो खेलते रहे। बात सुन हैंडल, सुनना। अरे हमें कुछ नहीं सुनना है। अब हमारे पास ई धोती और प्यारे काले दीन की शर्ट के अलावा बचा ही का है। अरे ई को भी हम चिता पे त्याग देंगे। जाते हैं हम। जल्दी है क्या? काने धरला। अच्छा समझ गए, अब देखते हैं हम। माधुरी हमार गलत फैमिली को माफ कर दे, वरना तेरे बच्चे है ना हमसे 16वीं रील में बदला लेंगे, कहेंगे हमरी माँ को तुमने बहुत सताया। <दत्त। laughs> मैं सब समझ गया, हमारे गुरुदेव ने ऐसे बहुत से केस ठीक किए हैं, बस जरा साधना और संयम जरूरी है। देखना तुम्हारा रूप रंग यौवन सुख सब लौटेगा। स्वामी जी मेरे जीवन में तो एक जैसे घुंसा लग गया है। आज भी दर्द एड़ी से उठा, घुटनों तक आया और जाने क्या सोचकर वापस लौट गया। इस रोग ने तो मेरे चेहरे की चमक ही छीन ली है, वरना दो बच्चों की माएं तो साबुन का विज्ञापन बनी घूमती हैं। वैसे अभी तुम्हारी आयु भी क्या है, हमारे गुरुदेव की तंत्र शक्ति से 60-60 साल की गब्बू महिलाएं तब्बू बनी फिरती हैं। सच? आपके दर्शन भी तब हुए स्वामी जी जब दीमक लगी किताब की तरह मेरा सारा जीवन खोखला हो गया, केवल हड्डियां रह गई। चिंता नहीं, चिंता चिता समान है देवी, तंत्र अपनाओ फल पाओ। लेकिन एक कार्य कष्टकर है, हमारे तंत्र में शक इफ और बट का कोई स्थान नहीं। स्वामी जी मुझे जीवन दो, मैं हर आज्ञा का पालन करूंगी आपकी। हमारे गुरुदेव स्त्री का नाखून भी नहीं छूते, जो कुछ करना होगा तुम्हें स्वयं करना होगा देवी। मुझे क्या करना होगा स्वामी जी? सुहागन से अभागन बनना होगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि सुहागन से सन्यासी है, सुहागन बनना होगा। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी जी। रेशमी गेरुआ वस्त्र, कलाई में रुद्राक्ष, गले में फूलों की माला, खुले हुए केश और उस पर सुहागन रूप, महावर, आलता, सिंदूर, शरीर पर आभूषण ही आभूषण। नमो नमः, भूल हुई, सारे आभूषण कपूर कुमकुम लाल पोटली में, मुट्ठी में केवल चावल और तिल, बस ऐसा ही होगा स्वामी जी। पर मेरे रोग तो दूर हो जाएंगे ना? समुद्र से कमंडल भर जल की भीख, हमारे गुरुदेव तो दान का समुद्र हैं। स्वामी जी कुछ पैसे वगैरह, आई मीन गिफ्ट? अरबों के स्वामी टुकड़े नहीं खाते, क्या नहीं है हमारे गुरुदेव के खजाने में? किसी से धन की चाह नहीं रखती सन्यासी की कामना। परसों शाम दिन ढले पैदल आना होगा। पैदल? पैदल कैसे आऊंगे स्वामी जी? अरे मैं तो मॉर्निंग वॉक भी कार में जाती हूँ। हाँ देवी एक बात, गेट पर तुम्हें एक आदमी मिलेगा, वो तुम्हें एक शब्द बोलेगा, लौकी। लौकी? ये हमारा कोड वर्ड है, लौकी। प्रणाम स्वामी जी। आयुष्मान भाव। जय हो स्वामी जी। पापा क्या सोच रहे हैं? कोई शेर? लेकिन शेर तो आपको बेचैन रखते हैं, गुमसुम नहीं। आप ठीक तो है ना पापा?
कुछ नहीं बेटे, अब तो लगता है कि शेर ही नहीं कुछ दिनों में अल्फाज भी छिन जाएंगे। इस उम्र में अपने ही खून के रहम और करम पे जीना तकलीफ देता है बेटे। मैं ठीक हूं बेटे। आप ठीक नहीं है पापा, मुझे आपकी खामोशी बहुत डरा रही है। मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। मां, नहीं नहीं, किसी को मत बुला, किसी को मत बुला। अपने दर्द पर मैं अपनी उंगलियां खुद रखे रहूंगा। मैं अपनी उम्र भर की शायराना लगन अपने दोस्त पर कुर्बान कर सकता हूं। मैंने उसके चेहरे पर दाढ़ी उगती भी देखी है और सफेद होती भी। पापा चाचा तो ठीक है, मैं देख कर आऊं। काफी दिनों से उन्हें यहां भी नहीं देखा। क्या बात है पापा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मैं आपका बड़ा बेटा होकर भी आपकी नजरों में छोटा सही, मगर खून तो आपका हूं। और खून में अगर कैंसर हो जाए तो इलाज नहीं हो पाता, मुझे पता भी ना चला, और तुझसे गर्मा गर्मी में सोडा ने यहां आना ही छोड़ दिया। एक बात याद रखना बेटे, मैंने उम्र भर सोडा के अलावा और किसी के गले में हाथ नहीं डाला है। वो मेरी रूह है, रूह। मैं जानता हूं पापा, लेकिन इतनी जरा सी बात पर चाचा नाराज हो गए। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, वो मुझसे नाराज हैं तो मनाकर भी मैं ही लाऊंगा। नहीं सत्य, उसका एहसास टॉफियों से बहलने वाला नहीं है। हमेशा हंसने वाला इंसान जब उदास होता है ना, तो बहुत गहराई तक उदास होता है। मन्नू की शादी में स्टेटस की दीवार खड़ी करके तूने उसे बहुत दर्द पहुंचाया है। अरे बेटे की तरह पाला है उसने तुझे, अपनी दाढ़ी नुचवाई है तेरी उंगलियों से उसने। मैं मानता हूं पापा, मैं उन्हीं के साये में इतना बड़ा हुआ हूं, मगर स्टेटस दीवार नहीं होती। लेकिन अगर आप इसे दीवार मानते हैं तो दिन रात की मेहनत से चुना है मैंने इस दीवार को। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि चाचा यहां आ जाएं। नहीं नहीं बेटे, इतनी छोटी सी बात के लिए ये लंबा कद झुकने को नहीं बना है। तुम अपने ढंग से जियो, हम बुढ़े अपने ढंग से मर लेंगे। तुम्हें देर हो रही होगी पापा। बस एक बात और कहनी थी, वक्त की लगाम में तुम लोगों के हाथ हैं, जहां ले चलोगे चलेंगे। जाओ, जाकर आराम करो। शांति, हैंडल प्रसाद सबके प्रॉब्लम हैंडल करना जानता है, पर जब खुद पे आती है ना तो ससुरा ब्रेकवा ही जाम हो जाते है। नमक का पूरा हक अदा कर रहा है तू हैंडल। तेरी इसी भलाई पर तो शांति शहद में मक्खी जैसे फंसी है। थैंक यू माय हॉर्लिक्स। पर तेरे को पता है आज ये घर पे एक और गाज गिरने वाली है। ये भाभी है ना, ये तंत्र मंत्र जंतर वाले साधु के पास जाए बिना मानेगी ही नहीं। पता नहीं कौन से ग्रह नक्षत्र इस घर पे लगे हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम भी हम जाके देखते हैं। संभल के जाना। अरे तू फिकर मत कर, ई नौटंकी का डायरेक्शन भी हैंडल प्रसाद ही हैंडल करेंगे। ओ, तो बात फैंसी ड्रेस तक पहुंच गई है। ये जोगन बनकर कहां जा रही हैं आप? जहन्नुम में। अब तक वहां पहुंच जाना चाहिए था। कम से कम इस कमरे से मेडिसिन्स की बू तो खत्म होती, मैं और मेरे बच्चे सांस तो ले पाते। अब मुझे इलाज के लिए एक सिद्ध संत मिले हैं तो वो भी नहीं सह सके। तुम और तुम्हारे सिद्ध संत, इस घर की आबरू चर्चियों के धुएं में नीलाम होनी बाकी रह गई है। कभी तुमने सोचा है किस घर की बहू हो तुम, किसकी बीवी हो तुम? मैं किसी की कुछ नहीं हूँ। मेरी बीमारी ने सबके चेहरे देख लिए और अब चाहे मुझे पत्थर को पूछना पड़े, लेकिन मुझे हेल्दी होकर जीना है, समझे? उफ कल्याणी,
अगर ये जोगी जोगड़े तुम्हारे इलाज होते तो 500 खरीद कर भीड़ लगा देता, लेकिन तुम्हारा वहम अंधेरे कमरे में उस काली बिल्ली को ढूंढ रहा है जो यहां है ही नहीं। बदलो ये कपड़े एंड बिहेव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, डू यू हियर मी? नो नो नो, मुझे जाना है और तुम भी अपने क्लब जाओ और चेकबुक के कागजों से ऐश खरीदो। कल्याणी, मैं फांसी से नहीं डरता, तुम्हारा किस्सा ही साफ कर देता, लेकिन उन दो मासूमों का ख्याल आता है। कम से कम मां नहीं, मां नाम का स्टिकर तो है उनके पास।